तैयारी कैसा चल रहा है यहाँ पे? तैयारी तो बहुत बढ़िया है। हम लोग बेगूसराय से आए हैं यहाँ पे। बेगूसराय से? हाँ, मुन्ना बोल्ट का नाम सुने हैं? बहुत नाम है। हम आए हैं बक्सर जिला केसर चौराहे हैं। अच्छा। फिजिकल हमेशा अच्छा होता है, सभी लड़का का होता है, इसलिए सुनकर आए हैं यहाँ पर। कहाँ से आए हैं आप? बेतिया से। बेतिया? भीड़ देख कर आए हैं यूट्यूब पर। मेरे यहाँ सुबह में 6 बजे से स्टार्ट हो जा रहा है प्रैक्टिस, 6 बजे से लेकर मेरे यहाँ 9 बजे तक प्रैक्टिस चल रहा है, और शाम में मेरे यहाँ 4 से 7:30 बजे तक प्रैक्टिस चल रहा है। क्या नाम है आपका? पूजा कुमारी। आप कहाँ से आई हैं तैयारी के लिए? मैं बक्सर से आई हूँ। कहाँ से आई हैं? डिहरी से। कहाँ से? नासिरगंज खुटहा से। हम तो अभी अग्निवीर के लिए आए हैं। अभी मैं मौजूद हूँ रोहतास जिले के विक्रमगंज में, और यहाँ मुन्ना बोल्ट एकेडमी के पास मैं मौजूद हूँ। देख पा रहे होंगे कि अभी बिहार पुलिस का रिजल्ट आया हुआ है, एवं जो भी क्षेत्र के लोग हैं दूर दूर से यहाँ पर लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, एवं अपना फिजिकल की तैयारी पूरी कर। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मुन्ना भाई यहाँ सामने दिख रहे हैं। मुन्ना भाई ये जो यहाँ के ट्रेनर हैं, मुन्ना बोल्ट फिजिकल एकेडमी के ये ओनर हैं। इनसे हम तमाम बातें जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर जो तैयारी होता है उसमें कितना चार्ज लेते हैं, एवं कहाँ कहाँ से लोग तैयारी के लिए यहाँ पर आते हैं, किस प्रकार की यहाँ पर सुविधाएं दी जाती है इनके द्वारा। फिलहाल अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं जो कि फिजिकल एकेडमी में कहीं ना कहीं तैयारी करने के लिए आए हैं, दूर दूर तक देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैं वीडियो में दिखाने का प्रयास करूँगा कि जो भी फिजिकल के तैयारी के दौरान यहाँ पर किस प्रकार से तैयारी होता है वो भी चीज़ें दिखाने का प्रयास करूँगा। फुलकेश यादव। कहाँ से आए हैं तैयारी के लिए? हम आए हैं बक्सर जिला केसर चौराहे हैं। अच्छा। वहाँ से गिरधर ब्रह हैं, वहाँ से हैं। मतलब केसठ चौगाई से यहाँ पर आए हैं विक्रमगंज में। हाँ। क्या सुनकर आए हैं यहाँ पे? यहाँ पर तो हम सुन के आए हैं कि बहुत अच्छा, जो जाता है वो क्लियर करके आता है। मतलब जो आता है यहाँ पर क्लियर हो जाता है। क्लियर हो जाता है? क्लियर हो जाता है। अच्छा, किस कौन सा तैयारी के लिए आए हैं? हम तो अभी अग्निवीर के लिए आए हैं। तैयारी यहाँ पे आने के बाद कैसा अनुभव लगा? आने के बाद तो बहुत अच्छा लग रहा है, सब व्यवस्था यहाँ पर टंच है, हॉस्टल के भी व्यवस्था, हम हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल में भी अच्छा प्रोफेशन है, यहाँ पे ग्राउंड पे भी अच्छा लगता है, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर। हॉस्टल में चार्ज कितना? हॉस्टल के चार्ज है 4500 रुपया। यहाँ 1500 ट्रेनिंग फीस लगता है। अच्छा। हाँ। क्या नाम है आपका? नेहा कुमारी। कहाँ से आई हैं? धनगाई से। धनगाई से? विक्रमगंज, मतलब। तैयारी यहाँ पे कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? ममता कुमारी। ये बिहार पुलिस का तैयारी के लिए आई है ना? हाँ। कहाँ से आई हैं? नहीं, नटवार की। नटवार की? हाँ। तैयारी यहाँ पे कैसा हो रहा है? आज तो फर्स्ट डे आए हैं। फर्स्ट डे। कहाँ से आई हैं तैयारी के लिए? नारायणपुर से। नारायणपुर से। हाँ। तैयारी यहाँ पे कैसा हो रहा है? कितने दिनों से आ रही हैं? सर आज मेरा फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे। क्या नाम हुआ आपका? MD सिराज। तैयारी यहाँ पर फिजिकल का अच्छी तरह से हो रहा है? हाँ, भीड़ को देख कर तो लग रहा है कि अच्छे होगा। कहाँ से आए हैं आप? बेतिया से। बेतिया से? जी। बेतिया से ये विक्रमगंज में आए हैं? जी। क्या सुन कर आए हैं? ये नाम सुन कर आए हैं, भीड़ देख कर आए हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पे देख के आए? जी। इंद्रकांत कुमार। कहाँ से? नासिरगंज खुटहा से। उतना दूर से यहाँ पर? हाँ, बिहार पुलिस के फिजिकल के लिए रिजल्ट आया हुआ था। अच्छा, तैयारी कैसा हो रहा है? ठीक हो रहा है, फिजिकल हमेशा अच्छा होता है, सभी लड़का का होता है, इसलिए सुन कर आए हैं यहाँ पर। आने के बाद यहाँ पे तैयारी किस तरह से दिख रहा है? अच्छा तैयारी है, अभी सर लोग जो जितना वर्क देते हैं उतना वर्कआउट करते हैं, तो अच्छा ही रहता है फिजिकल। कितने दिनों से अभी तैयारी कर रहे हैं? वो हो गया मेरे 1 महीना से ऊपर। हाँ, रिजल्ट नहीं आया था तबे से हम लोग आए थे, एग्जाम अच्छा गया था इसलिए। तैयारी बढ़िया चल रहा है? हाँ। क्या लग रहा है, पार हो जाएगा? इस बार तो पार हो जाएगा। जय कुमारी। कहाँ से आई है? डिहरी से। तैयारी यहाँ पे कैसा होता है? बहुत अच्छा होता है। कहाँ रहती होंगी आप? हॉस्टल में। हॉस्टल की सुविधा है यहाँ पे? जी, बहुत अच्छा। हॉस्टल में तमाम तरह की सुविधा मिलता है? जी, बहुत सुविधा मिलता है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं ना होता? नहीं, 3 टाइम खाना मिलता है, नाश्ता मिलता है, बहुत अच्छा खाना मिलता है, दोपहर में, शाम, रात में खाना मिलता है। लड़कियों के लिए किसी प्रकार की परेशानी नहीं ना? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हॉस्टल में चार्ज कितना लगता है? 4500। और यहाँ का फिजिकल का चार्ज? 1500। 1500। क्या नाम हुआ आपका? पूजा कुमारी। कहाँ से आई हैं तैयारी के लिए? मैं बक्सर से आई हूँ। बक्सर से? बक्सर से विक्रमगंज में तैयारी के लिए आई? जी। ध्यान केंद्रित करिए। क्या सुन रहे हैं? यहाँ बहुत अच्छा तैयारी कराया जाता है, पहले भी सुने थे, और वहाँ उधर से भी बहुत लोग आते हैं इधर।
अच्छा। तो बहुत लोग बताए थे कि वहाँ अच्छा तैयारी होता है, तो मैं भी आ गई। इससे आने के बाद कैसा तैयारी दिखा? बहुत अच्छा तैयारी दिखा। इससे पहले भी मैं यहाँ कर चुकी हूँ फिजिकल, लगभग 3.5 महीने में बहुत अच्छा फिजिकल हो गया है मेरा। और अभी बिहार पुलिस के लिए 1.5 महीने से आई हूँ। हाँ, बिहार पुलिस के लिए अभी तैयारी? अभी मैं लगभग 1.5 महीना हो गया यहाँ, और इससे पहले 3.5 महीना दरोगा के लिए की थी। बहुत अच्छा तैयारी हो रहा है। अच्छा तैयारी जी लग रहा है? हो जाएगा जी, हो जाएगा। उस बार भी फिजिकल हो गया था, मेरिट नहीं बना था। फिजिकल कर ली था जी, रिटेन पर बनता है, मेरिट तो नहीं होता। फिजिकल बहुत अच्छा था, सब 12 लड़की थे, हम लोग सब क्वालिफाई कर गई थी। अब बक्सर से आप आई हैं, कहाँ रहती होंगी आप? जी हम हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल की सुविधा है यहाँ पे? जी हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल अलग है, बॉयज हॉस्टल अलग है, बहुत अच्छा सुविधा है हॉस्टल का। आप इस एकेडमी के ओनर हैं? ऑनर नहीं है, ऑनर मतलब आदित्य सर और मुन्ना सर, हम दोनों मिलकर इस एकेडमी को अभी चला रहे हैं ना, तो लमसम इस एकेडमी को चलाते हुए ये 5वां साल चल रहा है। काफ़ी शाहबाद में आपका एकेडमी का चर्चा चल रहा है जी। जी बिल्कुल ऐसा है, मेरा एकेडमी में जो भी बच्चे आते हैं प्रैक्टिस करने, लमसम हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं कि मेरिट दे। और इस बार भी मेरा पूरा उम्मीद और पूरा भरोसा के साथ बोल रहे हैं कि क्योंकि जो भी इस बार रिजल्ट आया है पढ़ने वाले बच्चों का है, तो इन सभी का दो दिनों से प्रैक्टिस अभी चल रहा है। तो अभी मेरा एक ही मोटो है कि मेरे यहाँ अभी जो पिछले जो बैच चल रहे थे, जीडी का भी चल रहे थे, जीडी में मेरे यहाँ 45 लड़के थे और 15 लड़कियाँ थी, टोटल 60 थे। 60 में एक दो लड़के क्वालिफाई किए हैं, लड़कियाँ ने सारे ने क्वालिफाई किया है। तो दिन प्रतिदिन मेरा भी एक्सपीरियंस और रिजल्ट की वजह से हौसला बढ़ते जा रहा है, और मैं इस बार प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे यहाँ जितने भी बच्चे आएंगे, जितने भी लोग आएंगे, गर्ल्स हो या बॉयज हो, मैं अपना 100% दूंगा, और 100% के साथ मैं पूरा ये भरोसा दिलवाऊंगा कि सबको क्वालिफाई कराऊंगा। क्वालिफाई के साथ पिछले बार मैंने बिहार पुलिस में 89 मेरिट दिया था, 89 को मैंने मेरिट लिस्ट में जो सम्मानित किया था, सारे बच्चे खड़े हुए थे। इस बार मैंने पूरा प्रयास के साथ बोल रहा हूँ 200+ मेरिट, मैंने कुछ दिन पहले ये अनाउंस कर दिया था कि 200+ मेरिट जो भी बच्चे आएंगे उनका मेरिट देना, उनको आगे करना, क्योंकि बच्चे जो आते हैं शुरू में वो पढ़ाई में काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। जो भी बच्चे का इस बार रिजल्ट है, सारे एसआई वाले ही बच्चे हैं जो कि बहुत उनका स्ट्रांग पढ़ाई है, तो रनिंग में बहुत नादान होते हैं बच्चे, उनको कुछ मालूम नहीं होता। एक गुरु के पास आते हैं तो उनको सोचते हैं कि वो हम किसी भगवान के पास जा रहे हैं। तो मैं ये उम्मीद के साथ पूरे के ये भरोसा पे मैं अपना 100% 24 आवर इन लोगों को दूंगा, और उसी के साथ मैं प्रैक्टिस भी अभी करा रहा हूँ। कितने दिनों से ये सेवा दे रहे हैं विक्रमन में? लमसम 5 साल हो गया। 5 साल? जी जी 5 साल जी जी 5 साल हो गया। अभी यहाँ पर आपके यहाँ अगर दूर दूर से बच्चे आएंगे तो उनके लिए क्या यहाँ पर व्यवस्था रहने का है? रहने का गर्ल्स का भी व्यवस्था है, बॉयज के भी व्यवस्था है। हमारे यहाँ हरियाणा और अदर स्टेट से भी बच्चे आते हैं जो जनरल में फाइट करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होता है, और मेरिट में नाम भी उनका आता है, मेरिट में करके भी जाते हैं यहाँ से। आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या होगा? 7324045696। कहाँ से आई हैं तैयारी के लिए? आए हम यहीं से, धारपुर से। धारपुर से तैयारी यहाँ पे कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है। बिहार पुलिस का मतलब रिजल्ट आया? हाँ। कितने दिनों से तैयारी अभी कर रहे हैं आप? अभी लगभग 1 साल से। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा राहुल कुमार नाम पड़ेगा। कहाँ से आए हैं? नासरीगंज धनाव। नासरीगंज से? हाँ। फिजिकल की तैयारी के लिए? हाँ हाँ तैयारी करते हैं। बिहार पुलिस की तैयारी के लिए क्या? नहीं नहीं बिहार पुलिस के लिए। बिहार पुलिस के लिए? हाँ। रिजल्ट आया है? हाँ आया है। क्या लग रहा है, इस बार पार हो जाएगा? हाँ 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 एकदम जोर शोर से लगे हुए हैं, अब की बार तो पार होना ही है। पार हो जाएगा? हाँ हाँ हाँ। क्या नाम है आपका? कौशिक मिश्रा नाम है। तैयारी कैसा चल रहा है यहाँ पे? तैयारी तो बहुत बढ़िया है, हम लोग बेगूसराय से आए हैं यहाँ पे। बेगूसराय से? हाँ मुन्ना बोल्ट का नाम सुने हैं, बहुत नाम है, बेगूसराय से आए हैं। पटना में भी तैयारी होता है? नहीं पटना में हम किए थे तो पटना में हुआ नहीं, इसलिए यहाँ पे आए हैं। पिछला बार दिए थे तो पटना में रह के नहीं हुआ। तो रहते होंगे कहाँ पे? यही हॉस्टल है, हॉस्टल है हम लोग का। हॉस्टल है? हाँ। हॉस्टल में अच्छा खासा व्यवस्था है? बहुत बढ़िया है, सुबह केला खाने को मिलता है 4-5 को जी, उसके बाद भर दिन खाने ही को मिलता है, खाते रहिए सोते रहिए, पढ़ना लिखना तो है नहीं, पढ़ता कौन है, फिजिकल करना है तो। क्या लग रहा है कि इस बार पार हो जाएगा? नहीं है देखिए, अल्लाह रखेंगे तो सही सब हो ही जाएगा। ठीक है, तैयारी बढ़िया से हो रहा है? हाँ। काफ़ी मेहनत लगता होगा सुबह सुबह जगने में? मेहनत लगता है तो क्या कीजिएगा, पैसा कमाना है तो मेहनत तो कर।